हेलो फ्रेंड्स, तो मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक और नए वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 30 मेकअप लुक, वो भी पिंक थीम के साथ। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना लेट से 30 मेकअप लुक क्यों शेयर कर रही हूँ। 30 तो ख़त्म हो गया है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी थी, इसलिए मैं 30 मेकअप लुक पहले नहीं डाल पाई। बट कोई बात नहीं, ये एक थीम के ऊपर भी है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं अभी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने फेस को कर लिया है क्लीन फेस टिश्यू पेपर से। उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी एलोवेरा जेल। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ले लिया है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, पीएच बैलेंस को मेंटेन रखता है। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया है एलोवेरा जेल और उसके बाद मैं यूज करूँगी गुड वाइब्स का फेस ग्लो सीरम, जो हमारे फेस पे बहुत ही अच्छा सा ग्लो देता है, हमारे स्किन को, हमारे फेस को ब्राइट अप दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हो मैं इसे अच्छे तरीके से हल्के हाथों से स्प्रेड करते हुए पूरे फेस पे लगा लूँगी और नेक पे भी साथ साथ लगा लूँगी, क्योंकि मुझे नेक पे भी थोड़ा सा फाउंडेशन यूज़ करना है। इसलिए तो फेस और नेक हमारा इक्वल दिखना ज़रूरी होता है, इसलिए फेस पे जो भी क्रीम या कुछ भी यूज करें वो नेक पे भी लगाना ज़रूरी होता है। तो उसके बाद मुझे लगाना था प्राइमर, बट प्राइमर का वीडियो जो है स्किप हो गया है। देन उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लैक्मी का 925 सीसी क्रीम, जो फाउंडेशन के जगह पे मैं यूज कर रही हूँ। तो इसके ही साथ आज मैं मेकअप करने वाली हूँ, तो बस इसे मैंने डॉट डॉट करते हुए अपने फेस पे लगा लिया और अच्छे तरीके से इसे मैं ब्लेंड कर दूँगी एक स्पॉन्ज की सहायता से। आप चाहे तो फिंगर टिप से भी कर सकते हो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर, तो जहाँ जहाँ मुझे ब्राइट अप दिखाना है अपने फेस को वहाँ वहाँ मैं लगा लूँगी कंसीलर। और उसके बाद इसे भी स्पॉन्ज की सहायता से डैप डैप करते हुए मैं मिला लूँगी। तो ये आप लोग देख सकते हो, तो बस इसे भी मैंने अच्छे तरीके से लगा लिया है। देन अब बारी है एसक्यू का, मैं लगा रही हूँ फेस पाउडर। आप कोई सा भी फेस पाउडर यूज कर सकते हो, सॉरी कॉम्पैक्ट पाउडर। तो बस इसे भी मैं अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस एंड नेक पे लगा लूँगी और उसके बाद मैं इसे एक ब्रश की सहायता से जितने भी एक्स्ट्रा पाउडर होंगे मैं उसे झाड़ ले रही हूँ, ब्रश की सहायता से हटा दे रही हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हो। देन उसके बाद बारी है आईब्रो फिल करने की, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आईब्रो को ब्रश कर लिया है, उसके बाद मैं आईब्रो को कर ले रही हूँ फिल। और यहाँ पे मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है, ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया है। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अपने आईब्रोज़ को भी कर लिया है फिल। और उसके बाद अब बारी है आई शैडो की, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि मेरा साड़ी किस कलर का पिंक है और मैं कौन सा कलर लूँ, तो ये भी मेरे कलर से सूट नहीं कर रहा है। हाँ, ये कलर मुझसे मेरे साड़ी से सूट कर रहा है, तो मैं इसे ही लूँगी। तो मेरा जो साड़ी है वो डार्क पिंक कलर है, आप लोग देख सकते हो। तो इसी से मिलता जुलता मैंने ले लिया है आई शैडो और बस उसे अपने आईज़ पे बीच आई लिप पे स्प्रेड करते हुए लगा लूँगी। ये आप लोग देख सकते हो किस तरीके से मैं लगा रही हूँ, सेम इसी प्रोसेस से आपको भी लगाना है। तो दोनों आई लिप पे मैंने लगा लिया है पिंक कलर। देन अब मैं यूज कर रही हूँ ग्लिटर आई शैडो और वो है वाइट सीमर कलर का, जो मेरा साड़ी जो है उसका जो बाहर का हिस्सा जो है कॉर्नर वो है वाइट कलर का, सिमरी टाइप का है कुछ, तो बस वही कलर मैं लेके अपने नीचे के हाफ लिड पे लगा लूँगी। और देन उसके बाद फिर से मैंने पिंक आई शैडो जिस ब्रश से लगाया था उसी ब्रश को लेके इसे अच्छे तरीके से मिला ले रही हूँ, स्मज्ड कर ले रही हूँ, ताकि ये अलग सा ना दिखे, बिल्कुल लगे कि एकदम सेम मिक्स हो गया है और अच्छे तरीके से मैच कर जाए। उसके बाद मैंने एक और कलर ले लिया है और उससे मैं ऊपर की आईलिड पे अच्छे तरीके से स्मज्ड कर लिया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ आईलाइनर, और आईलाइनर जो है मेरा वो पेन आईलाइनर है,
तो इससे जो है ना कि फटाफट आईलाइनर आसानी से लग जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, मैंने दोनों आँखों में आईलाइनर लगा ली है। ओ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं नीचे वाले आईलिड पे किस तरीके से सेम वही ऊपर वाला पिंक कलर लेके लगा रही हूँ, ताकि ऊपर और नीचे दोनों आईज़ जो है सेम सेम दिखे और थोड़ा आईज़ जो है बड़ा दिखता है इस तरीके से करने से। तो ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैंने सिमर वाला वाइट कलर का आई शेडो लगाया था, तो सेम उसे भी मैं लेके नीचे वाले आईलिड पे हल्का हल्का लगा के स्मज्ड कर ले रही हूँ एकदम पतला सा। तो ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद मैं अपने आईज़ पे लगा रही हूँ मस्करा। तो बस मुझे मस्करा लगा लेना है। और ये मैं बहुत ज़्यादा हैवी वाला मेकअप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये तीज मेकअप लुक है और घर में बैठ के हमें पूजा वगैरह करना रहता है और पसीना से हालत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं हैवी मेकअप नहीं कर रही हूँ। देन इसी आई शैडो पैलेट से मैंने लिया ब्राउन कलर और उससे मैं कर रही हूँ अपने फेस का कॉन्टोरिंग। तो ये आप लोग देख सकते हो। तो बस मैंने फेस कॉन्टोरिंग कर ली है और अब ब्लश वाले पैलेट से मैंने एक पिंक कलर लिया है और अपने चिप पे लगा रही हूँ ब्लश। सॉरी, ये ब्लश पैलेट नहीं है, ये हाईलाइटर पैलेट से ही मैंने लिया था ब्लश का कलर, पिंक कलर, उसे लेके मैंने ब्लश लगा लिया था अपने चिक पे। देन उसके बाद मैं लगा रही हूँ हाईलाइटर। तो हाईलाइटर मुझे जहाँ जहाँ लग रहा है कि मुझे हाईलाइटर की ज़रूरत है वहाँ वहाँ मैं हाईलाइटर लगा ले रही हूँ। मीन्स आइज़ के पास, चीन के पास, अपर लिप, आईब्रोज़ के नीचे, ये आप लोग देख सकते हो मैं कहाँ कहाँ हाईलाइटर लगा रही हूँ। बस इसी तरीके से मैंने हाईलाइटर लगा लिया। उसके बाद मैं अपने लिप पे लगा रही हूँ लिप लाइनर। देन उसके बाद मैंने एक्स्ट्रा लिप लाइनर निकाल दिया। अब मैं लगा रही हूँ पिंक कलर का लिपस्टिक मेरी साड़ी से मैच करता हुआ। देन तीज है तो सिंदूर ज़रूरी है। उसके बाद चूड़ी, नेकलेस, ये आप लोग देख सकते हो। तो बस ये है मेरा मेकअप लुक आज का तीज के लिए। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये आज का तीज मेकअप लुक अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और अगर मुझसे वीडियो बनाते समय थोड़ी सी भी कुछ गलती हुई हो मेकअप करने के लिए, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं मेकअप देख के सीखती रहती हूँ और साथ में आप लोगों को सिखाने की कोशिश करती हूँ। तो मैं फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल। Thank you.